भारी बर्फबारी और बारिश के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार छठे दिन भी बंद। रामबन में भूस्खलन और फिसलन के कारण रोका गया यातायात। ट्रक चालक व यात्री हुए बेहाल। गोलीबारी से सीमावर्ती इलाकों में बना दहशत का माहौल। सरकार के खिलाफ लामबंद हुए करगिल के लोग, लद्दाख को संभाग बनाने के फैसले से नाखुश करगिल के लोग। दूसरे दिन भी आज करगिल में देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उड़ी के राजरवानी इलाके में रविवार देर रात संदिग्ध हलचल देखने के बाद सुरक्षा कर्मियों ने फायरिंग की। घटना के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया और इसी दौरान सेना के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी मौजूद रही। उड़ी के राजरवानी में स्थित भारतीय सेना की तोपखाना यूनिट के बाहर देर रात संदिग्ध हलचल देख सुरक्षाकर्मी ने फायरिंग की थी। सुरक्षा बलों द्वारा पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सीनियर साथी इश्फाक गोहर। इश्फाक, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस खबर को लेकर? देखिए, जहां तक इस खबर की हम बात करें, ये दरअसल मामला जो है रात देर गए जो उड़ी लाहौर के आसपास के एरिया में है, उन्हें एक सस्पिशियस मोमेंट नजर आया था, जिसके बाद इस पूरे एरिया के अंदर अलर्ट कर दिया गया था। ये रजरवानी उड़ी माहौर का एरिया है और सुबह कुछ राउंड फायर भी जो है वो हुए थे, जिसकी वजह से काफी पैनिक और दहशत जो थी वो इस पूरे इलाके के अंदर थी। लेकिन अभी की अगर हम बात करें, माहौर का जो पावर स्टेशन है और माहौर का जो आसपास का इलाका है उसको कॉर्डन किया गया है, वहां पर तलाशी अभियान जो है वो बड़े पैमाने पर चलाई जा रही है। आशंका यह है कि मिलिटेंट जो थे वो सरहद के उस पार से आए, क्योंकि लॉन्चिंग एरिया है वहां से, हो सकता है वो इस पार आए और माहौर के पावर स्टेशन के आसपास कहीं वो छुपे बैठे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। इस वजह से सुबह से लगातार तलाशी अभियान जो है वो वहां पर चलाया जा रहा है। जी शुक्रिया इश्फाक हमें इसकी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे सीनियर साथी इश्फाक गोहर हमारे साथ, जो बता रहे थे कि उड़ी के माहौर में कल देर रात सस्पिशियस मूवमेंट देखा गया, कुछ संदिग्धों को देखा गया और उसके बाद सुरक्षा बलों द्वारा बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खबर सामने आ रही है कि माहौर के ही किसी आसपास के इलाके में आतंकवादी छिपे हो सकते हैं, फिलहाल वहां पर सेना और पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी है। लगातार मुंह की खाने के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तानी सेना ने सोमवार सुबह पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर एक बार फिर गोलीबारी कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। जानकारी के अनुसार पुंछ जिले के कीरी और कस्बा सेक्टर में आज सुबह बिना किसी उकसावे के गोलीबारी शुरू कर दी गई। गोलीबारी के बाद इलाके में खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता जमशेद मलिक। जमशेद, पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत दिखाते हुए एक बार फिर संघर्ष विराम तोड़ा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस खबर को लेकर? जी प्रियंका जी, आज सुबह ही पाकिस्तान ने एक बार फिर किरनी और सेक्टर में गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया, जिससे पूरे इलाके में डर व खौफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज पाकिस्तान की जानिब से छोटे हथियारों से इस इलाके में निशाना बनाया गया है, जिसमें लोगों में डर व खौफ इस वजह से भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से लगातार इन इलाकों में पिछले कई सालों से गोलाबारी का सिलसिला जारी रखे हुए। और ये इलाका, जिस इलाके में आज पाकिस्तान ने एक बार फिर गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया, ये इलाका पिछले कुछ रोज से खामोश था, तमाम आज सुबह पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर इसी इलाके को निशाना बनाया गया। केरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ फौजी चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाका भी है, जो इसके जाद में आता ही आता है हमेशा गोलाबारी में। पाकिस्तान की जानिब से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर पिछले तीन या चार बरसों से हालात कशीदा बनाए हुए हैं, क्योंकि दो रोज पहले भी पाकिस्तान ने नौशहरा सेक्टर में भी गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया था, जिसमें फौजी अहलकार जख्मी हुआ था, मगर आज की इस गोलाबारी में किसी जानी व माली की नुकसान की खबर नहीं है। मगर पाकिस्तान की इस गोलाबारी से एक बार फिर पूरे इलाके में डर व खौफ देखने को मिल रहा है। जी जी शुक्रिया जमशेद इस खबर पर अपडेट देने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता जमशेद मलिक हमारे साथ, जो हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान ने सीज फायर वॉयलेशन किया है और पुंछ के कस्बों और की सेक्टर में गोलीबारी की है और गोलीबारी से सीमावर्ती इलाकों में दहशत का माहौल बना हुआ है।
जम्मू श्रीनगर हाईवे आज लगातार छठे दिन भी यातायात के लिए बंद है और बनिहाल और जोहार टनल के दोनों ओर भारी बर्फबारी के साथ साथ रामसू रामबन के डिगडोल पंथार बैटरी चश्मा और अनोखी फाल आदि इलाकों में बार बार हो रहे भूस्खलन से राजमार्ग अभी तक नहीं खोला जा सका। राजमार्ग से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। रास्ता साफ होने की सूरत में ही हाईवे पर यातायात बहाल करने संबंधित फैसला लिया जाएगा। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से हरी झंडी मिलने पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो पाएगी। राजमार्ग बंद होने से मार्ग पर हजारों ट्रक चालक और यात्री फंसे हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नदीम इकबाल। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जम्मू श्रीनगर राजमार्ग बंद होने से जो यात्री वहां पर फंसे हैं, क्या कुछ कहना है उनका, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनको? यहाँ खड़े हैं, आप खुद बताएंगे, ग्राउंड लेवल पे बात जो है वो जीरो है। कोई भी अकोमोडेशन का इंतजाम नहीं है, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। आप देख सकते हैं ये महंगाई इन्होंने इतनी बड़ा रखी है, ये यहाँ मतलब इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं रोड बंद होने का। नथिंग इज मेड अवेलेबल फॉर अस फ्रॉम लास्ट 5 days वी आर हियर। हम यहाँ कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो जम्मू से आ रहे हैं तो अब 2-4 दिन हो गए यहाँ पे, यहाँ कोई भी फैसिलिटीज नहीं है। सिर्फ यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि यहाँ से डंडा मारो और भगाओ यहाँ से, आगे रास्ता मिले या ना मिले। Exactly. और कुछ भी नहीं है, ना खाने का इंतजाम है, ना पीने का इंतजाम है, ना टॉयलेट। यहाँ तो बिल्कुल यहाँ नीचे दरिया में जा रहे हैं, वहाँ भी खतरा ही है। तो सिर्फ इनका ये बहाना है और कुछ भी नहीं हो सकता इनके हाथ से। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नदीम इकबाल। नदीम, आज जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार छठे दिन भी बंद है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पर प्रशासन की तरफ से हर बार ये दावा किया जाता है कि उनकी तरफ से सभी अरेंजमेंट्स किए गए हैं जो यात्री वहां पर फंसे हुए हैं। हालांकि यात्रियों का कहना है कि कोई भी अरेंजमेंट उनके लिए नहीं किया गया खाने पीने और रहने को लेकर। जिस तरह से हम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बात करें तो आज छठे रोज भी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त बंद है। अगर हम ऑल ओवर बात करें तो गुज़श्ता 20 दिनों की हम बात करें तो मौसम की खराबी के बाद ही, जहां नेशनल हाईवे पर हम बात करें कहीं पत्थर गिरा है, कहीं पसीनों का जो सिलसिला जारी है, कहीं बर्फ जमा होती है, तो मुसाफिर जो है उन्हें काफी तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन का हम भी देख रहे हैं, जहां तक हमने देखा है कि जो उनके अकोमोडेशन के अरेंजमेंट्स हैं, खाने पीने के अरेंजमेंट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो लिमिटेड है। जितने स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैं उन सब के लिए सब अरेंजमेंट नहीं किए गए, जिस वजह से जो कुछ मुसाफिर हैं उन्हें काफी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और दूसरी बात हम करें, जिस तरह से कल से ये जो प्रॉब्लम है ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि कल जो है रोड खुली थी कुछ टाइम के लिए, गाड़ियों को चलने के लिए अलो किया था, लेकिन उसके फौरन बाद जो दोबारा से पत्तियां गिराई, और जो हम रामन बाजार की बात करें या फिर रामसू या बानिहाल बाजार की बात करें, तो वहां से जो गाड़ियों को अलो किया था अपनी अपनी मंजिलों की जानेब जाने के लिए, लेकिन अब वो ऐसी जगहों पर फंसे हुए हैं कि वहां पे ना तो कोई दुकान है ना ही कोई होटल है, वो प्रॉब्लम उनके लिए काफी बड़ी है। और दूसरी अगर हम रामन टाउन की बात करें, जहां शान प्लस के मकाम पर जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं उनका भी ये कहना है कि यहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है, जिस तरह से पीने के पानी की फैसिलिटीज नहीं है, और उनका ये कहना था कि हमें यहाँ से डराया धमकाया जाता है और यहाँ से कहा जाता है कि आप दाएं बाएं बिखर जाइए। तो ये कहीं ये सब चीजें जो है कहीं दिल खराब सी भी लगती है कि जब एक स्टैंडर्ड पैसेंजर उनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो है कॉपरेट नहीं कर रही है। लेकिन ट्रैफिक हुकाम की हम बात करें तो उनका ये कहना है कि जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स है वो हमारे कॉपरेट करें, ताकि रोड क्लियरेंस में हमें किसी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। क्योंकि अगर हम बात करें श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की, तो यहाँ जो है कुछ अमवात भी हुई है इस दौरान, तो ये सब जो है मुसाफिरों के लिए भी परेशानी है, लेकिन इसके साथ साथ हम कहें कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी दर्द सर है। लेकिन आज इस तरह से अभी चंद ही लम्हों में वहां पे जो है ड्यूकॉम जम्मू और IG ट्रैफिक पहुंचने वाले हैं। अब जब वो वहां का जायजा लेंगे, जो भी मारोग में जो पत्ती की जो क्लियरेंस का काम चल रहा है, तो अब वो क्लियर होगा और वहां जब पहुंचेंगे जरा ड्यूकॉम और उनके क्या जो इकदाम रहेंगे इस पर, इस चीज को कम करने के लिए वो क्या करेंगे, क्या जो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज को हिदायत दी जाएगी कि इस पर काम में बेहतरी लाया जाए, या फिर जिस तरह पिछली बार IG ट्रैफिक ने विजिट किया था और हालात जो है बद से बदतरीन हो गए थे, या फिर वैसे ही हालात होंगे, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। तहां मुसाफिरों की बात करें तो उनकी जो मुश्किलात है मुसलसिल जारी है, और ये अगर मुश्किलात का अगर सबब देखें हम तो ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज की जो गैर जानबदाराना तरीके से की गई कटिंग है वही है। जी प्रियंका, जी शुक्रिया नदीम तमाम जानकारियों के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता रामबन से नदीम इकबाल, जिन्होंने हमें बताया कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग छठे दिन बंद होने के कारण वहां पर फंसे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सीधा आपको लिए चलते हैं श्रीनगर, जहां पर हमारे संवाददाता सैयद रूफ हमारे साथ मौजूद है।
सैयद रूफ, जिस तरह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज छठे दिन भी बंद है और कश्मीर की ओर गाड़ियां नहीं जा पा रही, उसकी वजह से श्रीनगर के लोगों का ये आरोप है कि जो उनको चीजें हैं वो काफी महंगी मिल रही हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए प्रियंका, जो यहाँ पे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बंद पड़ा हुआ है और जिसकी उसकी वजह से यहाँ के लोगों को काफी सारी मुश्किलात है, क्योंकि नेशनल हाईवे ही एक जरिया है वहां से यहाँ माल आने का। और अगर से पहले ही एडवाइजरी जारी की गई थी कि काफी बर्फबारी हो सकती है, उसके बावजूद भी यहाँ पे स्टॉक डंप नहीं किया गया है। डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की सीधे ये लापरवाही है, उनकी वजह से ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा है, लोगों को काफी सारी मुश्किलात है। देखिए प्रियंका, अभी एक तो यहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज की बात करिए, अवेलेबल नहीं है। अब अगर कहीं पे है तो उसकी जो रेट है वो आसमान को छू रही है। जो जखीरा अंदोज यहाँ पे हैं, उन्होंने उसकी रेट को आसमान को लगाया है, तो उस वजह से लोगों को काफी सारी मुश्किलात है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पेट्रोल, डीजल और गैस की जो ये है काफी कमी है लोगों को, जिस वजह से लोग काफी परेशान है। और अभी भी जो रोड है नेशनल हाईवे वो बंद पड़ा हुआ है, अभी क्लियरेंस का कोई पता ही नहीं कब तक ठीक हो जाएगा। और यहाँ से दूसरी एडवाइजरी जारी की गई कि 12 से लेकर ऑनवर्ड्स फिर बर्फबारी हो सकती है, तो ऐसा लग रहा है कि अगर इन दो दिन रोड नहीं खुला तो लोगों की मुश्किलात में बहुत हद तक इजाफा हो सकता है। तो रूफ, जिस तरह से प्रशासन की तरफ से इस तरफ से हमेशा यही कहा जाता है कि ऐसी दिक्कत आने के बाद उनके पास जो विंटर स्टॉक है वो हमेशा अवेलेबल रहता है और वो एडवांस में ही लेके चलते हैं कि कम से कम 6 महीने का जो स्टॉक है वो उनके पास रहे ताकि आम जनता को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसके बावजूद खाने की बात करें, अगर राशन की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें, और शुरुआत में ही इतनी कमी आ जाना कितनी चूक मानेंगे प्रशासन की? देखिए प्रियंका, प्रशासन की ही चूक है, क्योंकि पहले ही अगर देखा जाए तो विंटर्स में यहाँ पे जो दरबार मुंह रहता है, शिफ्ट रहता है, तो यहाँ पे डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल सब कुछ रहता है उन्हीं के हाथ में, तो पहले ही उन्होंने कहा था कि स्टॉक अवेलेबल है, किसी चीज की किल्लत नहीं हो सकती है। मगर जो ही बर्फबारी हुई और रोड बंद हो गया तो क्या क्या किल्लतें हैं वो सामने आ गई है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ की, डिविजनल इंतजाम या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हर एक डिस्ट्रिक्ट की, उनके उनके जो वादे थे वो गलत साबित हुए। और यही वजह है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज है लोगों को अवेलेबल नहीं है। मैं बताऊं कि प्याज अगर जो मार्केट में नहीं है, अगर कहीं मिल रहा है तो 60-70 रुपए किलो मिल रहा है। नींबू की बात करूं मैं, कहीं आज उसका सीजन नहीं है क्योंकि सर्दियां चल रही है, फिर भी अगर कहीं पे अवेलेबल है 150 रुपए में किलो बिकता है। तो गैस अगर कहीं है ही नहीं, अगर कहीं ब्लैक में मिलेगा तो 2000 रुपए के करीब एक ये मिलता है। तो ये हालात है, मैंने पहले कहा कि इंतजामिया की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो अभी रोड बंद ही है और दूसरी एडवाइजरी जारी है, डेट मीन्स की बर्फबारी हो सकती है, तो लोगों की मुश्किलात में इजाफा और हो सकता है। जी शुक्रिया रूफ हमें तमाम जानकारियां देने के लिए। तो ये थे श्रीनगर से हमारे संवाददाता सैयद रूफ, जो हमें बता रहे थे कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग छठे दिन भी बंद है, जिसकी वजह से वाहन चालक आगे कश्मीर की ओर रवाना नहीं हो पा रहे और वहां की आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और चीजें उन्हें महंगी मिल रही हैं, और साथ ही साथ राशन, गैस, पेट्रोल डीजल की काफी कमी श्रीनगर में देखने को मिल रही है। जम्मू श्रीनगर हाईवे के लगातार बाधित रहने से घाटी व अन्य क्षेत्रों की ओर रवाना होने वाले लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। भारतीय वायुसेना ने हालांकि रविवार को जम्मू से 538 लोगों को श्रीनगर एयरलिफ्ट कर उन्हें राहत पहुंचाई थी, लेकिन अभी भी जम्मू बस स्टैंड सहित अन्य इलाकों में इन लोगों का जमावड़ा लगता जा रहा है। इन लोगों का आरोप है कि हवाई जहाज से सिर्फ मंत्रियों और संतरियों के चहेतों को ही एयरलिफ्ट किया गया है, जबकि गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ सुविधा उपलब्ध नहीं है, खाना अच्छा नहीं है, और आज 5 दिन हो गए हमें यहीं। तो उरी में संदिग्ध देखे जाने के बाद जो सुरक्षा बलों द्वारा बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उसके लिए आर्मी ऑफिशियल्स का कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। तो आपको बता दें कि कल देर रात उरी में कुछ संदिग्धों को देखा गया, उसके बाद सुरक्षा बलों द्वारा वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। फिलहाल वहां पे पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
तो उरी से सीधा आप दृश्य देख सकते हैं जहां पर सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कल देर रात कुछ संदिग्धों को वहां देखा गया था। तो सीधा ये तस्वीरें हैं उरी से, जहां पर आपको बता दें कि उरी के राजरवानी इलाके में रविवार देर रात संदिग्ध हलचल देखने के बाद सुरक्षाकर्मियों ने फायरिंग की और घटना के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान सेना के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी मौजूद रही। उरी के राजरवानी में स्थित भारतीय सेना की तोपखाना यूनिट के बाहर देर रात संदिग्ध हलचल देख सुरक्षाकर्मी ने फायरिंग की थी। सुरक्षा बलों द्वारा पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और सीधा तस्वीरें आप देख रहे हैं उरी से, जहां पर सुरक्षा बलों द्वारा बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज एक बार फिर केंद्र को निशाना बनाते हुए कहा कि सरकार लोगों के वादे पूरे करने में विफल है और जो उम्मीदें लोगों को थी वो पूरी नहीं हो पाई। ये क्या हुआ हमारे भारत को? कहां है वो तरक्की जिसके बारे में ये चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं? कहां है? मैं देखना चाहता हूं वो दिन जबकि हमें ये मुसीबतें ना उठानी पड़े। उसके लिए सच्ची सरकार होनी चाहिए, ईमानदार सरकार होनी चाहिए जो सच बोले। हम नहीं कर सके बोले ना कि हम नहीं कर सके, आगे करेंगे। आपको लगता है मोदी कह रहे हैं कि उद्योगपतियों को बुला? मैं समझता हूँ ये सरकार फेल। मैं मोदी का नाम नहीं लेना चाहता, ये गलत है। मोदी तो एक प्राइम मिनिस्टर है, सरकार है, सरकार फेल हो रही है। जो हमारे उमंगे थी, जो हमें 5 साल पहले उम्मीदें आ गई थी बहुत तरक्की होगी, ये होगा। लद्दाख को जम्मू कश्मीर का तीसरा संभाग बनाने के फैसले की राजनीतिक हलकों में भले ही सराहना हो रही हो, लेकिन करगिल के लोग सरकार के इस फैसले से खुश नजर नहीं आ रहे। करगिल से संबंध रखने वाली तमाम सियासी पार्टियां सरकार के इस फैसले के खिलाफ लामबंद हो गई हैं, जिन्होंने लेह के साथ साथ करगिल भी बराबर का हक देने की मांग की है। वहीं आज करगिल दूसरे दिन भी पूरी तरह से बंद है और बंद को करगिल के सभी सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की ओर से समर्थन मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू में भी करगिल के लोगों द्वारा आज प्रदर्शन किया जा रहा है। बंद के चलते सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखकर लोग एक साथ खड़े हो रहे हैं और करगिल को भी बराबरी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच लोगों द्वारा डीसी को भी कल एक ज्ञापन सौंपा गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता जीएम नूरी। नूरी, जिस तरह से करगिल आज दूसरे दिन भी बंद है और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा उनका कहना है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इसे लेकर? जिस तरीके से गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने लद्दाख को डिविजनल स्टेटस दिया, डिविजनल स्टेटस के साथ साथ जो हेडक्वार्टर्स ने तकरीरी किया मुस्तकिल तौर पर परमानेंटली, तो इसके विरुद्ध करगिल के लोग सतारा हुए और करगिल के तमाम पॉलिटिकल लीडर ने भी प्लेटफॉर्म पर आकर इसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू कर दिए और उसी के चलते कल करगिल में कुल जमाती जितनी भी पॉलिटिकल और सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से एक रैली निकाला गया था पर आम डीसी ऑफिस तक और वहां पर डीसी ऑफिस को एक उन्होंने मेमोरेंडम भी दी थी। इसके बाद करगिल में आज पूरे करगिल में तमाम सरकारी दफातर जो है, स्कूल जो है, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल जितने भी है वो बंद करने का ऐलान किया था और कारोबारी दफातर जितने भी है वो भी आज करगिल में बंद है। वहीं आज जम्मू में करगिल के जितने भी लीडर्स हैं वो सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आकर यहाँ प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। तकरीबन 5,000 के करीब लोग यहाँ पे जम्मू में जमा हुए हैं जो करबला कम्प्लेक्स डीसी ऑफिस से ये प्रोटेस्ट मार्च इन्होंने निकाला था। इस वक्त ये प्रोटेस्ट यहाँ पे पहुंचा है। इस वक्त ये प्रोटेस्ट जो है ये प्रेस क्लब के बाहर जमा हुआ है। करीब 5,000 के करीब यहाँ पे लोग जमा है जिसमें 500 से ज्यादा खवातीन भी यहाँ पे हैं। तो ये बताया जा सकता है कि करगिल के लोग अब अपने हक को लेकर के बहुत ही सीरियस है और
काफी गम और गुस्सा इनके अंदर देखा जा रहा है। जी शुक्रिया जीएम नूरी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे करगिल से हमारे संवाददाता जीएम नूरी, जो हमें बता रहे थे कि लद्दाख को तीसरा संभाग का दर्जा मिलने के बाद जहां एक तरफ लेह में लोगों में खुशी की लहर है, वहीं दूसरी तरफ करगिल के लोगों में मायूसी है और उनका कहना है कि लेह के साथ साथ करगिल भी बराबर का हक मिलना चाहिए और आज करगिल दूसरे दिन भी पूरी तरह से बंद है। कुछ दिन पहले हुई भारी बर्फबारी और बारिश से जहां अन्य हिस्सों से नुकसान की खबरें मिली, वहीं डोडा जिले में भी बारिश और बर्फबारी से कई रिहायशी मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। बर्फ से कई मकानों की छत गिर गई, लेकिन अच्छी खबर ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हम खाना शाना खा के कमरे में गए, वैसे ऊपर से गिरना शुरू हो गया। मैंने इनको बोला बर्फ उठाते, ऊपर से बोलते मेरा बहुत वजन है, तो ऐसे हम जब तक उठे तब तक ये चला गया और हम ऐसे ही रह गए अंदर ही। बच्चा बड़े मुश्किल से निकाला, हम इधर से गिर भी गए नीचे के लिए। मुझे ऑपरेशन हुए अभी, बस 3 महीने हुए, हम बर्बाद हो गए। तो रात को जब हमने बर्फ लगी थी कोई 7:30 बजे के करीब, तो एकदम मकान में थोड़ी सी आवाज आई, तो उसके जैसे आवाज आने पे थोड़ा दिल डर ही गया, बच्चा भी था साथ में, तो जैसे उठने की कोशिश की वैसे मकान गिर गया। मैं शुक्र ऊपर वाले का कि बच्चा बचा दिया हमने, और गिरते हुए हम यहाँ से निकले। कुछ अपने मोहल्लेदार पड़ोसियों ने भी मदद की, पकड़ के बर्फ से बाहर निकाला, जिससे हम सहमत है कि उन्होंने मदद की। यही है कि अब सरकार से यही निवेदन है कि कुछ हम गरीबों के बारे में भी सोचे। पूरा पानी अंदर है और पूरी बागें हमारी बर्बाद हो चुकी हैं और लोगों के पास राशन नहीं है, कुछ नहीं है, और ना 3 दिन से लाइट है। मैं सरकार से ये अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द आके हम गांव वालों का कोई आता पाता करें। बस सेवा बंद करने के विरोध में सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों ने आज शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया। इन छात्रों का कहना है कि उनसे प्रति माह 1000 रुपए बस का किराया देने को कहा जा रहा है, जबकि पहले वे साल का 1000 रुपए किराया देते थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं, हमारी बसेस यूनिवर्सिटी ने बंद कर दी है, इसलिए कि हम वो बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा फी पे कर लो, जबकि हमने ऑलरेडी फी पे कर चुके हैं। हमारे प्रोस्पेक्टस में जो मेंशन कर चुके थे कि आपको इतना फी पे करना है 1000 रुपीज़ पर ईयर का, आपको ये बोलना है कि 1000 रुपीज़ पर मंथ पे करो। हम तो हॉस्टल्स हैं, इनकी जिम्मेदारी है, तो ये हमें क्यों नहीं बसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी बसेस क्यों बंद कर दी। इस बार हुई बारिश ने जहां जम्मू संभाग के कुछ इलाकों के किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है, वहीं कई किसानों के लिए बारिश आफत बनकर साबित हुई है। गेहूं की फसल की जहां बारिश से पर्याप्त मात्रा में सिंचाई हुई, वहीं जिला जम्मू के साथ साथ अन्य जिलों में भी हुई ओलावृष्टि से सब्जियों की फसल तबाह हो चुकी है। जिला उधमपुर के कई इलाकों के किसान सब्जियों की खेतीबाड़ी पर ही निर्भर हैं, जिन्हें इस बार भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों के घर परिवार भी सब्जी की खेतीबाड़ी पर निर्भर हैं, जिन्हें कुदरत ने मायूस कर दिया है। हम एक फार्मर हैं और सब्जियों का काम ही करते हैं। अमूमन इस साल जो बर्फ पड़ी है, बहुत ही काफी बर्फ पड़ी है, लेकिन ओले से हमारे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। जैसे कि हमने कड़म लगाया है, गोभी लगाया है, प्याज लगाया है, प्याज का बीज है वो हमारा टूट गया, तबाही हो गई हमारी, बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए अब गरीब जिम्मेदार हैं कि हम उठ नहीं सकते हैं, कि गवर्नमेंट से हम यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द जिम्मेदारों को कोई मुआवजा दिया जाए, ताकि हम उधमपुर के रहने वाले जितने भी किसान हैं इनको कोई फायदा मिले। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।